Asalaamu as Alaikum, everyone. This is Hamza Khan. I hope you are doing well. One of the questions that I have been asked from the last couple of months is when the application for the GKS Graduate Program Scholarship will open. So, finally, your wait is over as the application for the GKS Graduate Program Scholarships are announced. So, if you want to apply for this scholarship program, you can definitely submit your application now. तो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अगर आप अपनी मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं अपनी पी डिग्री प्रोग्राम को यानी डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं या आप किसी रिसर्च प्रोग्राम को प्रस्यू करना चाहते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू इन uh, प्रोग्राम्स को जो है वो परस्यू कर सकते हैं ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि स्टूडेंट को नंबर ऑफ़ बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है फ्रॉम देर ट्यूशन फ़ी टू इंक्लूडिंग अदर नंबर ऑफ़ बेनिफिट्स तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप करें और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें तो आप डेफिनेटली इसकालरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं अब बात करते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वाइर्ड हैं तो मैंने डिटेल में आपको ये एक्सप्लन किया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं आ, अगर आप आ, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो कौन से आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और अगर आप पीएचडी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करने हैं और इसी तरह तो तो अगर आप किसी रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो कौन से आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं तो जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करने हैं वो वेरी कर सकते हैं फॉर द डिग्री प्रोग्राम जिसके लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो डिटेल में मैंने आपको एलिजिबिलिटी को एक्सप्लेन किया कि इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन लोग नहीं अप्लाई कर सकते मेक श्योर करना है कि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो सो so दैट कि आपकी जो एप्लीकेशन है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर की जाए तो बात करते हैं कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई आपने किस तरह से करना है तो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने के दो मेथड होते हैं जिनको हम ट्रैक्स कहते हैं वन इज़ द एम्बेसी ट्रैक एंड अनदर वन इज़ द यूनिवर्सिटी ट्रैक एम्बेसी ट्रैक में क्या होगा कि आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है अपने कंट्री में जो कोरियन एम्बेसी है वहाँ पर और यूनिवर्सिटी ट्रैक में आपने क्या करना है कि वो यूनिवर्सिटी जो जी के स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर पार्टीसपेट कर रही है और वो यूनिवर्सिटी आपके उस मेजर प्रोग्राम को भी ऑफर कर रही है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं या अपनी स्कॉलरशिप को अवेल करना चाहते हैं तो देन डायरेक्टली आप अपनी एप्लीकेशन को उस यूनिवर्सिटी को सबमिट करेंगे डिटेल में हम बात कर चुके हैं कि एम्बेस ट्रैक के अंदर किस तरह से आपने अप्लाई करना है और यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर आपने किस तरह से अप्लाई करना है आपकी सिलेक्शन किस तरह से होगी डॉक्यूमेंट के कितने सेट सबमिट करने हैं इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं एंड यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट ऑल्सो अनदर क्वेश्चन दैट आई हैव बीन आस्क रिपीटेडली इज वट इज़ द एप्लीकेशन डेडलाइन फॉर द जी ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप ट्वेंटी तो जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो डिफरेंट होगी Uh, उन स्टूडेंट के लिए जो अम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करने जा रहे हैं और इस तरह जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो डिफरेंट होगी उन स्टूडेंट के लिए जो यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करने जा रहे हैं तो अगर हम बात करें जो अम्बेसी ट्रैक है इसकी डेडलाइन क्या है जैसा कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो जो के अंदर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन सबमिट करने की डेडलाइन है वो वेरी करेगी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री बिकॉज हर कंट्री में जो कोरिया एम्बेसी है हो सकता है कि वो अपनी डिफरेंट uh, डेडलाइन को सेट करें तो आपने क्या करना है कि आप अम्बेसी से इन इनकॉन्टैक्ट रहें और ये चेकआउट करते रहें कि कब जो है वो एप्लीकेशन की अनाउंसमेंट वहाँ पर हुई है उन्होंने क्या एप्लीकेशन की डेडलाइन सेट की है क्योंकि एक स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं है कि कब जो है इस स्कॉलरशिप की लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन की सबमिशन के लिए तो इट्स बेटर कि आप इन कॉन्टैक्ट रहें और ताकि आपको डेडलाइन का एग्जैक्ट पता रहे अगर बात करें यूनिवर्सिटी ट्रैक की तो यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर भी वो स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं उनकी भी कोई एक स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं होती फॉर द एप्लीकेशन सबमिशन बिकॉज नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हो सकता है कि हर एक जो यूनिवर्सिटी है वो एक सेपरेट डेडलाइन सेट करे फॉर द एप्लीकेशन सबमिशन तो इट्स बेटर कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड हैं और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं आप उस यूनिवर्सिटी की साइट पर कंटिन्यूसली विज़िट करें और चेकआउट करें, करें कि उस यूनिवर्सिटी ने एप्लीकेशन डेडलाइन अनाउंस की है यूली जो यूनिवर्सिटी का नोटिस बोर्ड होता है वहां पर जो स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट है और उसकी जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो वहां पर मैंशन कर दी जाती है तो आप वहां से इसको चेकआउट कर सकते हैं कोई एक स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं है दोनों ट्रैक के लिए बिकॉज हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हो और हो सकता है कुछ स्टूडेंट किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हो तो जो डेडलाइन है फॉर द डिफरेंट स्टूडेंट फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री इट मे वेरी लेकिन अगर एक रफली आइडिया लिया जाए कि अम्बेसी ट्रेक या यूनिवर्सिटी ट्रैक की डेड लाइन कब तक होती है तो जो एम्बेसी ट्रैक की डेड लाइन होती है वो यूजली अर्ली मार्च या मिड ऑफ मार्च तक होती है आ, जिसके अंदर आप अपनी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं लेकिन अगर यूनिवर्सिटी ट्रैक की बात की है, तो यूनिवर्सिटी ट्रैक की यूजली जो डेडलाइन होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द एम्बेसिडर ट्रैक सो आई विश यू वेरी गुड लक फॉर दिस जी के एस ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एंड आई होप सो कि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को ज़रूर विन करेंगे और ये जो अपॉरचुनिटी है ये आपको ज़रूर मिलेगी अगर आपके अंदर एक पैशन है चीज़ों को हासिल करने का तो डेफिनेटली आप चीज़ों को हासिल कर लेते हैं सो मेक श्योर टू सबमिट योर एप्लीकेशन ऑन टाइम बिफोर द डेडलाइन एंड मेक श्योर टू सबमिट अ कंप्लीट एप्लीकेशन दैट कंटेन ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट दैट आर मेंशन इनसाइड एप्लीकेशन फॉर्म एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म या यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी तो दो तरीके हैं जहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को गेट कर सकते हैं या जो इन यूनिवर्सिटी जो पार्टिसिपेट कर रही हैं और वो कौन से प्रोग्राम है मेजर को ऑफर कर रही हैं इस इनफॉर्मेशन को भी आप गेट कर सकते हैं तो इसके लिए आपने क्या करना है तो अगर आप एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आपने क्या करना है कि जो कोरियन एम्बेसी है आपके कंट्री के उसके साइड पर जाएं और वहाँ पर जाने के बाद जो वहाँ पर नोटिस बोर्ड होगा वहाँ पर जो है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा और वो यूनिवर्सिटीज़ जो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही हैं और कौन कौन से प्रोग्राम या कौन कौन से मेजर ऑफर कर रही हैं उसकी इफॉर्मेशन भी आपको वहाँ से मिल जाएगी और वो स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करने जा रहे हैं तो उन्होंने सिंपली क्या करना है कि वो यूनिवर्सिटी जिसमें वो अप्लाई करना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड पर जाएँ और वहाँ पर जाने के बाद आपको ना सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा बल्कि उस यूनिवर्सिटी की जो प्रोग्राम है जो यूनिवर्सिटी ऑफ़र करेगी या किन मेजर्स को ऑफ़र करेगी आप ये इन्फॉर्मेशन वहाँ से गेट कर सकते हैं तो ये भी एक क्वेश्चन था कि हमें एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा तो इस तरह से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को गेट कर सकते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जिनको अपने मेजर फाइंड करने में प्रोग्राम फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही थी तो इस तरह से उनको अपने मेजर अपने प्रोग्राम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है दोनों ट्रैक के लिए वो वहाँ से मिल जाएगी और वहाँ से वो देख सकते हैं सो अगेन आई विश यू आर गुड लक सो आई होप सो कि आप इस स्कॉलरशिप को जरूर विन करेंगे बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन एनी क्यूरी यू कैन डेफिनेटली आस्क मी आई विल ट्राई टू आंसर क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल सो दैट्स आर फ्रॉम टोडेज वीडियो मीटिंग द नेक्स्ट वन टिल देन अल्लाह हाफिज़